प्रिय प्रिय श्री निरंजननाथ गुरु भवता जी, श्री ज्योतराम भगवान जी के सेवकों भक्तों, एक भगत काली नाड़ी के आसपास गांव में अपना जमींदारा खेती बाड़ी का काम किया करते। बताते हैं कि राजस्थान में चने काफी होते हैं और उस समय और भी ज्यादा हुआ करते। तो भगत अपने चनों का ऊंट गाटा भर के बीकानेर मंडी की तरफ चलता है। प्यारे भक्तों, चलते चलते अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के बाद वो रास्ता इकट जाता है, वो ऊंट गाटा बालू रेत के टिप्पे में फंस जाता है। तो भगत श्री भभूता जी को याद करता है कि ही काली नाटी वाले वीरम देके लाल, तेरा भगत आज बड़ा दुखी है, मेरा ऊंट गाटा फंस गया है, निकल नहीं रहा, आप दर्शन दीजिए और मेरी मदद कीजिए कि बाबा आइए। और कैसे पुकारता है श्री भभूता सिंह जी को और क्या बताया। ओ अरे दस की गाड़ी रोवे गाड़ी वाला के बाबा मेरी गाड़ी धस गई है, आइए। अरे धस की गाड़ी रोवे गाड़ी वाला बाबा आ जा नाटी आला, बाबा आ जा नाटी आला, बाबा आ जा नाटी आला, बाबा आ जा नाटी आला। धस की गाड़ी रोवे गाड़ी वाला बाबा आ जा नाटी आला, बाबा आ जा नाटी आला, बाबा आ जा नाटी आला, बाबा आ जा नाटी आला। बड़ी भगत पे पिपता गहरी बाड़ू रेत में गाड़ी ठहरी, बड़ी भगत पे पिपता गहरी बाड़ू रेत में गाड़ी ठहरी, बड़ी ये भक्तों, जब ऊंट गाटा बैठ जाता है रेत में, तब बड़ा दुखी होकर वो भगत कहता है कि बाबा मेरा ऊंट गाटा भी रेत में धस गया है, आप मेरी मदद करिए, मेरे को कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या कहता है, बैठ गया उठा न जावे राही कटगी रास्ता न पावे, ऊंट बैठ गया उठा न जावे राही कटगी रास्ता न पावे, ऊंट
नाटियाला बाबा आ जा नाटियाला। बाबा आजा।